हेलो बच्चों, मैं सोनू जहांगीर। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश क्लास थर्ड का चैप्टर 7, बीरबल। बच्चों, बीरबल, अकबर और बीरबल के बारे में आपने कहानियां तो पढ़ी होंगी और आजकल टीवी में भी बहुत दिखाई जाती हैं। तो हम बीरबल की कहानी, अकबर बीरबल की कहानी हम पढ़ेंगे। देयर वॉज ए वाइज मैन इन द कोर्ट ऑफ अकबर। अकबर के दरबार में एक बुद्धिमान व्यक्ति था। His name was बीरबल, उसका नाम बीरबल था। He was very clever man, वह बहुत चतुर आदमी था। There are many stories about his wit and wisdom, यहाँ बहुत सारी कहानियाँ बुद्धि और बुद्धिमता की बहुत सारी कहानियाँ है। Here are two of them, इनमें से दो कहानियाँ यहाँ दी गई हैं। हम पहली कहानी पढ़ेंगे। वन डे अकबर सेड टू बीरबल, एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, यू हैव टू फाइंड ए हॉर्स फॉर मी, तुम्हें मेरे लिए एक घोड़ा लाना होगा। फाइंड यानी ढूंढना, मेरे लिए एक घोड़ा ढूंढना होगा। इट शुड बी नाइदर वाइट नॉर ब्लैक नॉर ब्राउन नॉर ग्रे, इनमें से ना ही सफ़ेद होना चाहिए, ना ही काला, ना ही भूरा, ब्राउन यानी भूरा, ग्रे यानी सलेटी। तो बीरबल ने क्या कहा कि तुम्हें मेरे लिए एक घोड़ा ढूंढना होगा, लेकिन वो ना ही सफ़ेद होना चाहिए। तो अकबर ने क्या कहा था, अकबर ने बीरबल से कहा था कि मुझे तुम्हें मेरे लिए घोड़ा ढूंढना होगा, लेकिन ना ही सफ़ेद होना चाहिए, ना ही काला, ना ही भूरा और ना ही सलेटी होना चाहिए। ऐसा अकबर ने कहा बीरबल से। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने उत्तर दिया, इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड सच ए हॉर्स, यह ऐसा घोड़ा ढूंढना तो बहुत ही आसान है। बट लेकिन आई वांट 4 days टाइम, मुझे 4 दिन का समय चाहिए। आफ्टर 4 days, 4 दिन के बाद बीरबल केम टू द कोर्ट एंड सेड टू अकबर। बीरबल दरबार में आया और अकबर से कहा, आई हैव फाउंड सच ए हॉर्स एज यू, मैंने वो घोड़ा ढूंढ लिया है जैसा आपको चाहिए था। अकबर अकबर ने पूछा, वेयर इज इट, वह कहाँ है। आई वॉन्ट टू सी इट, मैं देखना चाहता हूँ। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, यू कैन सी इट एट एनी टाइम बट नॉट इन द मंथ ऑफ जनवरी और फरवरी और मार्च और अप्रैल और मई और जून और जुलाई और अगस्त और सितंबर और अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर। तो बीरबल ने क्या कहा, बीरबल ने कहा कि तुम इसे देख सकते हो, लेकिन जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में नहीं। बीरबल ने क्या कहा कि आप जनवरी से लेके दिसंबर तक आप देख सकते हो, लेकिन इन महीनों में आप नहीं देख सकते। द किंग लाफ लाउडली एट बीरबल विजडम एंड वाइट, राजा था बीरबल पे, उसकी बुद्धि और बुद्धिमता पर बहुत हंसा। अब हम इसकी दूसरी कहानी पढ़ेंगे। वन डे अकबर आस्क्ड हिज कॉटरी, एक दिन अकबर ने दरबारियों से पूछा, विच आर द बेस्ट मिल्क द बेस्ट फ्लावर एंड द बेस्ट लीफ। अकबर ने दरबारियों से क्या कहा कि सबसे अच्छा दूध, सबसे अच्छा फूल और सबसे अच्छी पत्ती कौन सी होती है।
तो द कोर्टियर्स रिप्लाइड डिफरेंटली फॉर ईच क्वेश्चंस। दरबारियों ने जवाब अलग अलग तरह के अलग अलग क्वेश्चन पे अलग अलग उत्तर दिए। देयर चॉइसेस वर मिल्क ऑफ काउ, बफेलो, गोट, रोज, लोटस, फ्लावर्स, लीव्स ऑफ मैंगो एंड नीम। किसी ने कहा गाय का दूध, किसी ने कहा भैंस का, किसी ने कहा बकरी का दूध अच्छा होता है, और फूलों में कहा किसी ने रोज़ का यानी गुलाब का अच्छा होता है, किसी ने कहा कमल का फूल अच्छा होता है, और पत्तियों में किसी ने कहा आम की पत्तियाँ अच्छी होती है, तो किसी ने कहा नीम की पत्तियाँ अच्छी होती है। एट लास्ट आखिर में अकबर आस्क्ड बीरबल टू आंसर हिज क्वेश्चंस। लास्ट में आखिर में अकबर ने बीरबल से इसका आंसर, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहा। बीरबल सैड, बीरबल ने कहा योर मजेस्टी, आपकी महिमा, मदर्स मिल्क इज द बेस्ट मिल्क, माँ का दूध ही सबसे अच्छा दूध होता है। तो बीरबल ने कहा जी महाराज, मदर्स मिल्क इज द बेस्ट मिल्क, माँ का दूध ही सबसे अच्छा दूध होता है। अ चाइल्ड हु इज फेड ऑन इट, जिसे कि बच्चा पीता है और बड़ा होता है, ग्रोज अप एज ए मैन ऑफ गुड हेल्थ, जो कि अच्छे स्वास्थ्य के साथ में एक बड़ा आदमी बनता है, स्वास्थ्य के साथ में अच्छा आदमी होता है। कॉटन फ्लावर इज द बेस्ट फ्लावर एज इट कवर्स आवर बॉडी, कपास का फूल ही सबसे अच्छा फूल होता है जो कि हमारे बॉडी को ढकता है, जैसे हम कपड़े पहनते हैं। बेटर लीफ इज द बेस्ट लीफ, एवरीवन इज फॉन्ड ऑफ च्यूइंग इट, सुपारी, बेटर यानी सुपारी, सुपारी की पत्ती ही सबसे अच्छी पत्ती होती है जो कि हर कोई उसे चबाने का शौकीन रहता है। अकबर एंड ऑल द कोर्टियर्स प्रेज्ड बीरबल्स विजडम, अकबर और दरबारियों ने बीरबल की बुद्धिमता की प्रशंसा की। तो बच्चों हमने आज अकबर बीरबल की दो कहानियाँ पढ़ी, दोनों ही कहानियों में बीरबल की बुद्धिमता की प्रशंसा हुई है। तो बच्चों आगे हम पढ़ेंगे वर्ड मीनिंग डिजायर विश, यानी कि इच्छा या चाह। कोर्टियर्स पर्सन अटेंडिंग द कोर्ट, दरबार में बैठने वाला दरबारी या व्यक्ति। इज फैड ऑन, इज सप्लाइड विद, फैड ऑन यानी जैसे बच्चा माँ का दूध पीता है तो वो दूध जो माँ के शरीर से बच्चे में जा रहा है तो उसको बोलेंगे फैड ऑन। ग्रोज अप डेवलप यानी उन्नति करना, विजडम इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता। चलिए बच्चों नेक्स्ट करेंगे लैंग्वेज स्किल मास्टरी। रीअरेंज द ऑर्डर वर्ड्स एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। हमें ये वर्ड्स दे रखे इन्हें हमें रीअरेंज करेंगे। तो यू हैव टू फाइंड ए हॉर्स फॉर मी, ठीक है बच्चों। अब दूसरा अरेंज करते हैं, द किंग लाफ्ड द किंग लाफ्ड लाउडली। He was a
वेरी क्लेवर, क्लेवर यानी चतुर, क्लेवर मैन. I want time four days. चलिए बच्चों अब नेक्स्ट करते हैं. स्टडी द फॉलोइंग एग्जांपल्स, राइट सेंटेंस अबाउट द अदर मंथ्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो. ये फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ये दे रखे हैं मंथ, काउंटिंग दे रखी है. ये यहाँ पे लिखेंगे जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, ये एग्जांपल दे रखा है. फरवरी इज द सेकेंड मंथ ऑफ ईयर, मार्च इज द थर्ड मंथ ऑफ ईयर, ये एग्जाम्पल दे रखे हैं. तो एग्जाम्पल की जैसे ही हमको नेक्स्ट करेंगे, मार्च के बाद में क्या आता है अप्रैल, ए पी आर आई एल, अप्रैल इज द कि जैसे ही लिखा है अप्रैल इज द फोर्थ मंथ ऑफ द ईयर. ये एक मैंने बता दिया. नेक्स्ट आपको करना है जैसे अप्रैल के बाद में क्या आता है मई, मई इज द फिफ्थ मंथ ऑफ द ईयर, जून, जून इज द सिक्स्थ मंथ ऑफ द ईयर. इसी तरह से हम सारे दिसंबर तक करेंगे. और ये काउंटिंग ऊपर दे रखी है फोर फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेन 11, 12, दिसंबर तक 12th आ जाएगा. इस तरह से हमें ये सारी काउंटिंग करनी है, सारी लाइन लिखनी है. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.